अधीक्षक दिनेश कुमार पी ने मऊरानीपुर तहसील सभागार में सर्किल के समस्त थानों के अभिलेखों का निरीक्षण किया, जिसमें लापरवाह दो एसआई को निलंबित कर दिया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नियुक्त दौरान लोगों से मुलाकात कर समस्याएं सुनी, उपस्थित लोगों को आश्वासन दिया। क्षेत्र में जुआ सट्टा मादक पदार्थों की बिक्री सहित कोई भी अवैध कार्य नहीं होगा। यदि कोई अवैध कार्य में पुलिस की संलिप्तता पाई गई तो एसएचओ बदल दिया जाएगा। उक्त दौरान मऊरानीपुर थाना क्षेत्र के बड़ा गांव में दो माह पूर्व हुई हत्या के संबंध में उसके पुत्र ने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर परिवार सहित पहुंचकर नामजद आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। गोविंद सिंह राजावत है, मैं बड़ा गांव का एक निवासी हूं। मेरे पिता की 10 अगस्त में हत्या हो गई थी, जिससे दो माह लगभग हो चुके हैं। इसके बाद भी पुलिस प्रशासन द्वारा गिरफ्तारी नहीं हुई है अपराधियों की। वो अपराधी खुलेआम घूमते हुए मेरे परिवार को दहशत में माहौल बनाए हुए कॉल के माध्यम से धमकियां देते हैं और मेरे घर के बाहर से असलाह लेके कई बार निकल चुके हैं, जिसकी सूचना मैं थाना प्रभारी को दे चुका हूँ। इसके बाद भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है, ना ही उनके द्वारा कोई उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। आज मैं एसएसपी साहब से मिलकर अभी आश्वासन दिया है, उन्होंने जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होगी। अगर मुझे या मेरे परिवार को किसी भी प्रकार की हानि होती है तो उसके जिम्मेदार पुलिस प्रशासन ही होगी। अभी एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया? एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि जैसे बिसरा प्रिजर्व है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, बिसरा की रिपोर्ट आते ही उन पर 302 कायम होते ही उसे जेल भेजा जाएगा। और अभी जो अपराध कर रहे हैं वो ऑडियो कॉल के माध्यम से धमकियां दे रहे हैं, उस पर एक मुकदमा कायम कीजिए और उन्हें जेल भेजिए। सर, आज जो मीटिंग रखी गई है सर, इसमें काफ़ी यहाँ पे आए हैं सर पीड़ित, उनसे सर क्या न्याय मिला गया, सर क्या बात रखी गई सर? देखिए, मऊरानीपुर सर्किल में सर्किल से सभी थानों की ओआर किया गया है, जो 3 महीने के ऊपर पेंडिंग विवेचना है। महिला संबंधित अपराध स्पेशल रिपोर्ट एसआर केसेस है एवं अन्य जो मुकदमे जो गंभीर अपराधों से संबंधित हमने समीक्षा किया है। इसमें हम लोग 3 महीने के ऊपर पेंडिंग विवेचनाओं के वादी को बुलाया है, वादी से सीधे संवाद स्थापित किया है, वादी की परेशानी सुना है। आईओ को डायरेक्टली निर्देश दिया गया है कि तत्काल विवेचना जो 3 महीने के ऊपर पेंडिंग है उस पर चार्जशीट लगाए हैं। उनके जो गिरफ्तारी है तो पेंडिंग है, उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करके गिरफ्तारी सुनिश्चित करें। अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर गुंडा एवं हिस्ट्री शीट खोलने की कार्रवाई करें, इस तरह से सख्ती से निर्देश दिया गया है। एवं कोविड से संबंधित भी दिशा निर्देश दिया गया है, जनता के प्रति ऊंचा विचार और व्यवहार होना चाहिए, चालान के नाम पर हरासमेंट ना हो, इस संबंध में दिशा निर्देश दिया। सर, इस दौरान किसी के ऊपर कार्रवाई हुई है क्या लापरवाही करने पर? 3 महीने के ऊपर पेंडिंग विवेचना, बेवजह पेंडिंग रखने और मुलजिम को फायदा पहुंचाने के नियम से जो ढीले डाला कार्रवाई के चलते 2 सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया। सर, ये जिले में पहली बार ऐसा हुआ है कि आपके द्वारा वादी के साथ डायरेक्ट मुलाकात की गई है, तो इसमें काफ़ी लोगों को कुछ राहत मिली है, और आगे क्या इस तरीके से रहेगा? ये लगातार ये प्रयास जारी रहेगा। देखिए, मऊरानीपुर जिले मुख्यालय से काफ़ी दूर है, 60 किलोमीटर जगह पर दूरी है और बीच में भी सड़क बन रहा है, हाईवे बन रहा है, इसके चलते काफ़ी आने जाने में असुविधा होती है। इसके चलते हम लोग ये स्कीम लागू किया है कि जो सीधे यहाँ आके बैठ ले ताकि पब्लिक सीधे हमसे मिल सके। बड़ा गाँव गिरफ्तारी, बड़ा गाँव में हत्या हुई। सर, रामनवमी का त्यौहार आ रहा है सर, इस पे सर क्या क्या दिशा निर्देश है सर? जी सर, अभी सर जिस पे जो चले रामनवमी, जो भी शासन के निर्देश होगा उसके आधार पर कार्रवाई रहेगी। इस संबंध में आने वाले समय में किस कमेटी मीटिंग, मोहल्लेवार और ग्रामवार मीटिंग भी होगी।